उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज एक बार फिर पुलिस को दो हत्याओं की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। ये मामला था उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सिविल लाइन्स इलाके का, जहां कोसी पुल के नीचे दो व्यक्तियों की लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि दो खून से लथपथ लाशें पड़ी हैं। पुलिस ने आनन-फानन में लाशों की शनाख्त करने के लिए आसपास लोगों को बुलाया। बहरहाल शनाख्त तो हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कड़ी सुरक्षा जहां कांवरियों के लिए की गई है हाईवे पर, वहीं कुछ ही दूरी पर दो शव मिलने से एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस भले ही दावा करे सुरक्षा की, लेकिन आए दिन रामपुर के थाना सिविल लाइन्स इलाके में हत्याओं से एक बात तो साफ है कि रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। बहरहाल दो शनाख्त तो हो चुकी है इन लाशों की, लेकिन इन दोनों की हत्या की वजह क्या है, रामपुर की थाना सिविल लाइन्स पुलिस अभी खोज में लगी है और तफ्तीश जारी है। बहरहाल हत्या की वजह क्या है ये तो तफ्तीश में ही खुलेगा। वहीं हत्या के बाद रामपुर की पुलिस ने दो हत्यारों को पकड़ने का दावा किया है, तो देखने की बात यह है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। सुन लेते हैं रामपुर पुलिस इस हत्या को लेकर क्या बता रही है। थाना सिविल लाइन पर आज अफरोज ने आकर सूचना दी कि उसके पिता कल्लू और उसके पिता के दोस्त मुर्तजा का पैसा मजदूरी का उधार था सद्दाम इरफान और सतवीर पर, और इस उधारी को लेने के लिए ये बात हुई थी सद्दाम इरफान और सतवीर से कि आप लोग कुर्सी नदी का पुल है हाईवे के पुल के नीचे आप आ जाएं। तो अपना पैसा लेने के लिए अफरोज अपने पिता के साथ और मुर्तजा के साथ उसका भाई हनीफ वहाँ मौके पर गए थे। तो इनकी पहले आराम से बातचीत हुई, फिर ये बैठ गए और जो है वहाँ पर भांग वांग का नशा करने लगे। और जो अफरोज है और हनीफ, ये दोनों वहाँ नदी के किनारे जाकर बैठ गए कि थोड़ी देर में अपने पिताजी और भाई को लेकर वापस चले जाएंगे। तभी वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ और ये दौड़ कर गए वहाँ पर, तो इन्होंने देखा कि सद्दाम इरफान और सतवीर जो है मुर्तजा और कल्लू पर एक धारदार हथियार से वार कर रहे थे और उन दोनों को घायल करके भाग गए। मुर्तजा की मौके पर ही मौत हो गई और कल्लू को दौरान इलाज जो मौत हो गई है। इस तरह से कल्लू और मुर्तजा की हत्या की तहरीर थाने में प्राप्त हुई। इस संबंध में थाने पर 302 IPC के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। ये मुर्तजा नियामतपुर थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला था और कल्लू मंसूरपुर थाना सिविदाइन का रहने वाला था। जो नामजद हत्यारे हैं सद्दाम, वो मुर्तजा के गांव का रहने वाला है और इरफान और सतवीर कल्लू के गांव के रहने वाले हैं। नामजद तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सद्दाम और सतवीर। आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही तीसरे अभियुक्त इरफान की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।